ऐसे क्राइम्स को हम कहते हैं साइबर क्राइम साइबर क्राइम के मोस्ट कॉमनली यूज एग्जांपल्स है जिस तरह से क्राइम कमिट किए जाते हैं उनको हमने डिस्कस किया था जिनमें से थे आइडेंटिटी थेफ्ट यानी कि किसी की शनाख्त को चोरी कर लिया जाता है ओवर द नेट और फिर हम समझते हैं कि शायद ये हमारा फ्रेंड है बट असल में वो फ्रेंड नहीं होता वो कोई हैकर होता है जो कि हमारा दोस्त बनकर बैठा हुआ होता है सामने दूसरी हमने बात की थी ट्रांजैक्शन फ्रॉड की इसमें आपको मॉनेटरी टर्म्स में लॉस किया जाता है आपका नुकसान होता है इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शन को फ्रॉडली हम अटेम्प्ट करते हैं।, इस को भी हम ही कहते हैं आपको ऐसी कोई ऑफर की जाती है कि आपका कोई प्राइस निकला है बट उस प्राइस को अवेल करने के लिए आपको थोड़ी सी एडवांस में फी पे करनी पड़ती है इस तरह के फ्रॉड्स भी आजकल बहुत कॉमन है फिर हमने देखा था हैकिंग भी एक साइबर क्राइम है जिसमें आपके इंफॉर्मेशन को पर्सनल इंफॉर्मेशन को हैक कर लिया जाता है हैकर वो हमारे कंप्यूटर एक्सपर्ट्स हैं जो कि किसी के भी सिस्टम को हैक कर लेते हैं थ्रू डिफरेंट मींस और इलीगल तरीकों से आपके सिस्टम को हैक कर लेते हैं लास्टली हमने बात की थी पायरेसी की कि पायरेसी क्या है मेकिंग इलीगल कॉपीज ऑफ अ सॉफ्टवेयर उसको हम कहते हैं पायरेसी ये तो हमने लिया क्विक सा रिक अपने प्रीवियस लेक्चर का अब हम बात करेंगे आज के टॉपिक की दैट इज अबाउट द फिशिंग अटैक फिशिंग अटैक होता क्या है फिशिंग इज अ फ्रॉडुलेंट अटेम्प्ट बाय सेंडिंग ईमेल्स टू ऑब्टेन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज यूजर नेम पासवर्ड एंड क्रेडिट कार्ड डिटेल्स फिशिंग एक ऐसा फ्रॉड है जिसमें बेसिकली किस तरह से आप अटेम्प्ट करते हैं आप ईमेल्स सेंड कर देते हैं फिशिंग वेबसाइट्स भी होती हैं जब आप ईमेल सेंड करते हैं उसका मकसद बेसिकली क्या होता है इस फ्रॉड का आपका सेंसिटिव जो डेटा है जो आपकी सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन है सच एज योर यूजर नेम योर पासवर्ड्स योर क्रेडिट कार्ड डिटेल्स ऐसी इंफॉर्मेशन जो आप किसी के साथ शेयर करना नहीं पसंद करते यू फील रिलकटेंट टू शेयर समन बिकॉज उससे आपकी बहुत सी पर्सनल डेटा लिंक कर रहा होता है ऐसी इंफॉर्मेशन को ऑप्टेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है फिशिंग का फिशिंग को हम दो तरह से इस्तेमाल करते हैं कुछ फिशिंग वेबसाइट्स भी होती हैं और कुछ थ्रू ईमेल्स की जाती है पहले हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फिशिंग ईमेल। जो फिशिंग ईमेल्स आती हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और आप कैसे पहचान सकते हैं कि ये एक फिशिंग ई है बेसिकली क्या होता है जो भी फिशिंग ई आती है नॉर्मली इट अपियर एज एन इम्पोर्टेंट नोटिस या कोई अर्जेंट अपडेट या अलर्ट इनका जो सब्जेक्ट होता है वो कुछ ऐसा वो लोग सेट करते हैं कि आपको लगे कि ये तो बहुत इम्पोर्टेंट नोटिस है या ये तो बहुत कोई अर्जेंट अपडेट है जो मुझे करनी है या कोई आपको अलर्ट भेजा जाता है जस्ट टू अट्रैक्ट योर अटेंशन कि आपको वो सब्जेक्ट पढ़ के आप एकदम से अटेंटिव हो जाए कि ये तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मुझे चेक करना है इसका मतलब है ये फिशिंग ईमेल आ रही है आपके पास मैंने आपको कहा कि उसका सब्जेक्ट ऐसा सेट किया जाता है कि आपको यकीन हो जाता है कि ये तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी ट्रस्टेड सोर्स से आई है किसी ऐसी जगह से आई है जिस पर मैं इतबार कर सकता हूँ एग्जाम्पल्स क्या है ऐसे क्या क्या सब्जेक्ट किए जाते हैं अक्सर आपने देखा होगा ई मेल रिसीव होती है जिसमें आपको लिखा हुआ आता है सम वन ट्राई टू ओपन योर अकाउंट चेंज योर पासवर्ड इमिजिएटली आप ये पढ़ते ही सब्जेक्ट देखते ही आप अलर्ट हो जाएंगे कि किसी ने मेरा अकाउंट ओपन करने की ट्राई की है सो so, मुझे अपना पासवर्ड वाकई फॉरन चेंज कर लेना चाहिए ऐसी ई मेल्स बहुत फ्रिक्वेंटली आ रही होती हैं हमें तो अकाउंट इमीजिएटली चेंज और पासवर्ड और जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं अपना पासवर्ड जब आपने चेंज करना होता है तो आपसे पहले आपका करंट यानी कि ओल्ड पासवर्ड मांगते हैं जो आप यूज कर रहे होते हैं उसको जब आप एंटर करते हैं असल में वो इंफॉर्मेशन चली जाती है कहीं और पे फिर आप अपना न्यू पासवर्ड एंटर करते हैं और उसको कंफर्म करते हैं जो ये सारा डेटा होता है असल में बैक एंड पे शेयर हो जाता है आपका उस सर्वर से जहां से बेसिकली ये फिशिंग ईमेल जनरेट की गई थी मकसद उसका ये था कि आपका लॉगिन और पासवर्ड वो रिट्रीव कर ले पता चल जाए उसको कि आपकी वो पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या है और किस किस्म की ईमेल्स आपको आती हैं अक्सर सब्जेक्ट में लिखा हुआ होता है ऑफिशियल डेटा ब्रीज कि आपने कहीं पे कुछ एंटर किया था जो कि ऑफिशियली एक डेटा ब्रीच है मतलब कि आपने किसी डेटा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है आप एकदम अलर्ट हो जाते हैं ऐसा कैसे वो आप ओपन कर लेते हैं उस ईमेल को अक्सर ऐसी ईमेल्स आती हैं जिनको हम आईटी रिमाइंडर्स भी कहते हैं कि योर पासवर्ड पासवर्ड इन लेस देन 24 hours. मतलब आप जो सेट किया है काफी टाइम से आपने अपना पासवर्ड चेंज नहीं किया सो so, कुछ ऐसी ई भी आती हैं जिनका सब्जेक्ट कुछ ऐसा होता है कि हमने अपनी सिक पॉलिसी को सिक टाइम लीव की जो पॉलिसी है उसको रिवाइज किया है या आपकी जो वोकेशन है उनको रिवाइज किया है ऐसी ईमेल्स उनको आती हैं जो कहीं ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उन ऑर्गेनाइजेशन की जो भी रेलिवेंट ईमेल अकाउंट होता है उससे मिलता जुलता बना लिया जाता है और आपको ईमेल आ जाती है ऐसी ईमेल से यानी कि फिशिंग ईमेल के अटैक से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए जब भी आपको लगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है किसी भी ई का अगर तो आपने उसको ओपन कर लिया है तो आपको उसका कॉन्टेंट बहुत केयरफुली पढ़ना है कहीं ना कहीं आपको पता चल जाता है कि एक्चुअल साइट से नहीं आई है बिकॉज़ कहीं कहीं गौर कीजिएगा स्पेलिंग्स अप एंड डाउन होते हैं अगर आपको लग रहा है आपके स्कूल की तरफ से कोई ईमेल आई है आपके ऑफिस की तरफ से कोई ईमेल आई है तो बहुत केयरफुली आपने उस ईमेल एड्रेस को चेक करना है वो देखने में एकदम से देखने में लगेगा कि आपके स्कूल का ही नाम है आपकी वर्क प्लेस के जो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आप काम कर रहे हैं उसी का नाम है बट कहीं पे कोई एक दो स्पेलिंग्स अप एंड डाउन कर दिए जाते हैं क्योंकि सेम नाम की दो कंपनीज को तो रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती सो इसलिए फॉर द फर्स्ट लुक आपको ले तो मेरे स्कूल का नाम है बट आप गौर करेंगे तो कहीं पर कोई स्पेलिंग अप एंड डाउन होगा या एक ही जगह किसी और सिंबल का इस्तेमाल कर दिया जाएगा कि वो लगेगा बिल्कुल उस जैसा ये तो हमने बात की थी कि आपको कैसी कैसी ईमेल सब्जेक्ट्स आते हैं जब हम फिशिंग ईमेल्स की बात करते हैं मैंने आपको ये भी बताया कि जब आपको कोई ईमेल आती है बिल फर्ज आपको लगा है कि आपको फेसबुक से कोई ईमेल आई है वो बिल्कुल रेलिवेंट सा वैसा ही एड्रेस बना देंगे कि admin@facebook.com एट फेसबुक डॉट कॉम बट अगर आप गौर से देखेंगे या तो उसकी फेसबुक के जो स्पेलिंग्स हैं वो गलत होंगे कहीं ना कहीं पर मगर ये आपको तैसे ही पता चलेगा जब आप उस पर गौर करेंगे सो so, मैंने जैसे पहले कहा कुछ भी ओपन करने से पहले कहीं पर भी क्लिक करने से पहले गौर कर लिया करें कि कंटेंट क्या एक्चुअल कंटेंट ही है कि नहीं है कुछ ईमेल्स ऐसी भी आती हैं जिसमें आपको अलर्ट नहीं किया जा रहा होता को उसका सब्जेक्ट कुछ Attention लेना नहीं होता, means कोई alert नहीं नहीं होता, कोई कर रहे, रहे कुछ कुछ ये ये कह कह कि 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 बहुत urgent है, कुछ emails के subject ऐसे होते हैं हैं, हैं जो आपको आपको करते मतलब देते आपका ये प्राइस निकला है आपकी ये लॉटरी विन हुई है ताकि आप अलर्ट हों, लेकिन आपको वो अट्रैक्ट करे कि अच्छा मिली कुछ लॉटरी निकली आप ना चाहते हुए भी उसको ओपन कर लेते हैं कि चलो ट्राई तो करते हैं कि कौन सी लॉटरी निकली है कौन सा प्राइस निकला है मेरा और फिर आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ वन क्लिक क्लिक करते रहते हैं आपको लेकिन आइडिया नहीं होता आपकी इंफॉर्मेशन शेयर होना शुरू हो चुकी भी होती है सो so, ऐसी किसी भी ईमेल्स पे किसी भी इन्वाइट पर क्लिक करने से पहले बहुत केयरफुल हो जाइएगा बिकॉज आपकी इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी जिस तरह हम बात करते हैं इंटरनेट पर बहुत जल्दी ट्रैवल करती है बिकॉज सिस्टम्स एक दूसरे से इंटरलिंक हैं नेटवर्क्स एक दूसरे से इंटरलिंक हैं आपको आइडिया भी नहीं होगा ऑन फ्यू क्लिक्स आपकी इंफॉर्मेशन कितने सर्वर्स पर चली जाएगी कितने नेटवर्क्स के पास कितनी ऑर्गेनाइजेशन के पास आपकी इंफॉर्मेशन शेयर हो जाएगी सो ऑलवेज बी वेरी केयरफुल दूसरी अट्रैक्शन जो आपके उन ईमेल्स में आती है जब आप उन ई को ओपन करते हैं आप किस तरह से धोखा खा लेते हैं कि उसमें जो इमेजेस इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं जो लोगोज़ दिखाई जा रहे होते हैं वो एक्चुअल जो आपके उस ऑर्गेनाइजेशन जिस भी कंपनी का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है उससे बहुत सिमिलर होते हैं और आपको लग रहा होता है कि ये तो वही साइट है मतलब कि ये एक्चुअली कोई ईमेल आई है बहुत आपको रियल इमेज शो किया जा रहा होता है रियल कंटेंट आपको दिखाया जा रहा होता है जस्ट टू मेक दैट फिशिंग ईमेल अ रियल ईमेल मेल जेनुअन ई ताकि वो आपको लुक लाइक अ जेनुअन ई लगे इसलिए मैं आपको बार बार कह रही हूं बी केयरफुल अपनी आंखें खोल कर कहीं पर भी क्लिक किया करें सी भी डिटेल की की माइन्यूट डिटेल्स इसमें से चेंजेस होती हैं, मगर जो आप ओवर लुक कर लेते हैं ओवर लुक करने का नुकसान होता है कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन बहुत आसानी से स्प्रेड हो जाती है ईमेल तो की, की अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फिशिंग वेबसाइट जिस तरह फिशिंग ईमेल्स जनरेट की जाती हैं आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को लेने के लिए कि आपका यूजर नेम पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड डिटेल्स इस तरह की इंपॉर्टेंट डिटेल्स लेने के लिए आपसे इसी तरह ही फिशिंग वेबसाइट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है फिशिंग वेबसाइट भी देखने में बिल्कुल सेम ओरिजिनल वेबसाइट्स की तरह लग रही होती हैं बिकॉज वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं उन्हीं वेबसाइट्स की पिक्चर्स का जो एक्चुअल ओरिजिनल वेबसाइट्स पे इस्तेमाल की गई होती हैं कंटेंट भी सेम रखा जा रहा होता है वीडियोस भी सेम होती हैं कलर स्कीम्स लोगोज एवरी लुक्स लाइक जो कि आपको ओरिजिनल वेबसाइट पे नजर आ रही होती है लिंक्स भी आपको जो प्रोवाइड किए जा रहे होते हैं उस फिशिंग वेबसाइट पे वो असल में ओरिजिनल वेबसाइट के ही तरह से प्रोवाइड किए जा रहे होते हैं जैसे कि आपको लिखा हुआ आ रहा होगा उस पर कि अस हमें आपको अगर आपको देखना है कि आपको प्राइवेसी डिटेल्स देखनी है तो यहाँ पर क्लिक कर लें सब चीजें सब लिंक्स भी वैसे ही आपको दिए जाते हैं जैसे आपको ओरिजिनल वेबसाइट पर मिल रहे होते हैं मगर उसका नाम जैसे मैंने ई में बात की थी नाम आपको सिमिलर लग रहा होगा मगर एक्चुअल वेबसाइट का नाम नहीं होगा बहुत से ऐसे फेक पेजेस आपको आपकी सोशल मीडिया ऐप्स पर भी मिलते हैं जिन्होंने ओरिजिनल कंपनीज़ के नाम इस्तेमाल कर रहे होते हैं मगर अगर, अगर आप गौर से देखें तो कहीं ना कहीं छोटा सा कोई स्पेलिंग मिस्टेक होती है कुछ स्पेलिंग चेंज कर दिए जाते हैं मगर वो आपको तभी पता चलता है जब आप गौर करते हैं उस नाम पर फर्स्ट लुक में सिंबल लोगो भी उसी कंपनी का इस्तेमाल किया हुआ होता है आपको लगता है ये तो वही है नाम भी उस जैसा ही इस्तेमाल किया जा रहा होता है सेम वैसा ही होता है बट विद अ वेरी लिटिल डिफरेंस कंटेंट भी सेम रखा जाता है और इमेजेस भी उसी वेबसाइट से उठाकर आपकी फिशिंग वेबसाइट पर इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं कुछ फॉर्म्स भी वो आपसे फिल करवा रहे होते हैं बिल्कुल फीडबैक फॉर्म्स जिस तरह से होते हैं जो कि ओरिजिनल वेबसाइट्स पे भी पाए जाते हैं आपको बिल्कुल वो फील दी जा रही होती है कि आपको लगे कि आप ओरिजिनल वेबसाइट को ही विज़िट कर रहे हैं बट असल में होती है फ़िशिंग वेबसाइट जो कि उसका मकसद बेसिकली है कि आपकी इंफॉर्मेशन आपसे ले ली जाए उनकी वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा विजिटर्स आएँ और उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा डेटा कलेक्ट हो जाए हमने बात की करेक्ट्रिस्टिक्स ऑफ अ फिशिंग अटैक की जिसमें से हमने देखा कि दो तरह के फिशिंग अटैक किए जाते हैं एक तरह एक थ्रू ईमेल्स और एक थ्रू वेबसाइट अब हम बात करेंगे डॉस की दैट इज डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक इसको हम कहते हैं डॉस अटैक इसमें क्या किया जाता है इट्स अ बेसिकली साइबर अटैक टू मेक अ मशीन और नेटवर्क रिसोर्स अन अवेलेबल ये भी ओवर द इंटरनेट किया जाता है और इसका मकसद क्या होता है कि जिस मशीन पर अटैक किया जा रहा है या जिस भी नेटवर्क पर अटैक किया जा रहा है उस पर मौजूद जो भी रिसोर्सेज हैं उनको अन अवेलेबल कर दिया जाए यूजर्स के लिए इसका मकसद क्या होता है कि जिस मशीन पर या जिस नेटवर्क इस अटैक को किया जा रहा है उस पर मौजूद रिसोर्सेज को अन अवेलेबल कर दिया जाए फॉर द यूजर नॉर्मली अटैक किया जाता है वेब सर्वर्स के ऊपर ऐसे सर्वर्स के ऊपर जिन पर वेबसाइट इंस्टॉल होती है किसी भी कंपनी की मकसद क्या होता है कि आपकी सर्विसेज को डिनाई कर दिया जाए मतलब कि आप अटेम्प्ट कर रहे हैं कि किसी वेबसाइट को एक्सेस करने की मगर वहाँ पे आपको सर्विस अन अवेलेबल आ जाए फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल लेते हैं हम इसकी ऐसे कि आपने कोई वेबसाइट पे गए आपने क्लिक कोई वेबसाइट लिखी बिलफर्स और आपने उस पर क्लिक किया बट वो लोड ही नहीं हो पा रही क्यों नहीं लोड हो पा रही एक हैकर ने एक फेक आई बंदे ने एक फेक आइडेंटिटी ने उस सर्वर पर उस वेबसाइट सर्वर पर उस वेब सर्वर पर इतनी फेक सर्विसेज की अटेम्प्ट दी हुई है इतनी फेक रिक्वेस्ट भेजी हुई हैं इतनी फेक रिक्वेस्ट भेज दी हैं कि जो एक्चुअल यूजर जो सर्वर को एक्सेस करना चाह रहे हैं उनकी एक्सेस को डिनायल कर दिया जा रहा है मकसद क्या है इसका मकसद यह होता है कि जो भी कंपनी जो भी वेबसाइट टारगेट की जा रही है उसको डाउन कर दिया जाए फॉर द एक्चुअल यूजर्स डिनाइल किया जाए उसकी सर्विसेज को फॉर द एक्चुअल यूजर डॉस अटैक जो कि हम डिनाइल कह रहे हैं इसमें बेसिकली टारगेट किया जाता है हाई प्रोफाइल ऑर्गेनाइजेशन को सच एज बैंकिंग बैंकिंग सेक्टर में बैंक्स मोस्टली उनकी वेबसाइट पे बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं आप लॉगिन कर रहे होते हैं आप अपने अकाउंट्स देख रहे होते हैं ई e कॉमर्स की वेबसाइट्स मतलब ऐसी जिनका ऑनलाइन बिजनेस चल रहा है जो ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं उन्होंने प्रोडक्ट्स अपनी ऑनलाइन रखी हुई अपनी सर्विसेज ऑनलाइन सेल कर रहे हैं वो ऐसी वेबसाइट्स को टारगेट किया जाता है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट्स जो होती हैं उनको टारगेट किया जाता है कि उनको एक्सेस करना लोगों के लिए मुश्किल हो जाए इट्स नॉट लाइक फॉर डॉस अटैक बट जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल जब आपका बोर्ड का रिजल्ट आ रहा होता है जब आप बोर्ड की साइट को एक्सेस करते हैं आपने फील किया होगा बहुत डिले आता है आपको आप एंटर किया आपने अपना रोल नंबर आपका रिजल्ट आने में बहुत डिले आ रहा होता है उसकी वजह क्या होती है ये डॉस अटैक नहीं होता ये तो जेनवन रिक्वेस्ट भेज देते हैं बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स उस टाइम उस वेबसाइट को एक्सेस कर रहे होते हैं इसलिए उसकी प्रोग्रेस थोड़ी सी स्लो हो जाती है इसी की एग्जाम्पल देख लें इसी तरह ही डॉस अटैक है यहां पर तो जेनुअन यूजर्स रिक्वेस्ट भेज रहे हैं वहां पर एक हैकर बैठ के रिक्वेस्ट भेज रहा है इतनी रिक्वेस्ट भेज रहा है कि जो जेनुअन यूजर्स हैं उनकी रिक्वेस्ट फुलफिल हो ही नहीं पा रही इसमें क्या होता है इसमें यह हो जाता है कि सर्विसेज अन अवेलेबल हो गई अब कंपनीज प्रॉब्लम में आ गई अगर आप सोचें ई e कॉमर्स की कोई वेबसाइट है जिनका काम भी बेसिकली ऑनलाइन शॉपिंग है ऑनलाइन प्रोडक्ट्स अपना बेचना है उनकी वेबसाइट को अगर अन कर दिया जाए जो यूजर हैं जो विजिटर्स हैं एक्सेस ही नहीं कर पा रहे थोड़ी देर का भी अगर थोड़ी टाइम के लिए भी अगर उनकी वेबसाइट अन हो जाएगी तो उनको कितना लॉस होगा फिर वो जो हैकर है जिसने ये की हैं फेक की हैं फेक रिक्वेस्ट भेजी हैं कि उनकी सर्विसेज को ब्लॉक कर दिया है वो उस ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट करते हैं और फिर वो डिमांड करते हैं कि इफ़ यू वांट योर सर्विसेज बैक पे अस दिस अमाउंट हम ये क्लियर कर देंगे ऑब्वियसली द ऑर्गेनाइजेशन इजेशन टू कंटिन्यू देयर बिजनेस फिर वो उनकी डिमांड को फुलफिल कर देते हैं और इस तरह ही होता है बेसिकली मकसद ये होता है किसी को इतना मजबूर कर दे वेबसाइट ऑनर्स को कि वो फिर आपकी रिक्वेस्ट जो भी आपकी डिमांड है उसको फुलफिल कर दे ताकि जो जेन्यन यूजर्स हैं वो कंटिन्यू कर सकें अवेल कर सकें उन रिसोर्सिस को जो उन वेबसाइट पर अवेलेबल हैं सो डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने दो चीजें देखी एक तो हमने बात की कैरेक्टरिस्टिक्स फिशिंग अटैक की जिसमें हमने देखा फिशिंग ईमेल्स क्या होती हैं उनके सब्जेक्ट्स किस किस्म के होते हैं एक तो वो अलर्ट किस्म के होते हैं जिसमें आपको कोई नोटिफिकेशन आता है आपको कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आ जा जाता है कि बहुत अर्जेंट है करना और दूसरी ईमेल्स के सब्जेक्ट कुछ ऐसे होते हैं जो आपको अट्रैक्ट करते हैं लाइक like आपका कोई प्राइस निकला है आपने कोई लॉटरी विन की है ताकि आप उसको खुश होकर ओपन करें और आप देखें एक्साइटेड होकर क्या है क्या चीज मैंने विन की है फिर हमने फिशिंग वेबसाइट्स की बात की कि वेबसाइट्स असल में ओरिजिनल वेबसाइट्स की लुक दे रही होती हैं पर अगर आप गौर करें तो आपको डिफरेंस नजर आता है फर्स्ट लुक में आप बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे डिफरेंस एक्चुअल वेबसाइट और फिशिंग वेबसाइट में फिर लास्टली हमने बात की डॉस अटैक की दैट इज डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक ये भी एक साइबर क्राइम है और इसमें क्या किया जाता है साइबर अटैक किया जाता है किसी भी नेटवर्क पर किसी भी कंप्यूटर पर सो so दैट उस पर जो रिसोर्सेज हैं वो अनअवेलेबल कर दिए जाए यूजर्स के लिए सो डियर स्टूडेंट्स ये तो था हमारा आज का लेक्चर उम्मीद करती हूं आपको अच्छे से समझ आया होगा हम मिलेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत ज्यादा ख्याल अल्लाह हाफिज